पालघर के अस्पताल में लगी आग, 13 कोरोना मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में पालघर के विरार में एक अस्पताल में शुक्रवार तड़के आग लग जाने से 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि करीब 3:15 बजे विरार स्थित विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एयर कंडीशनर के विस्फोट हो जाने से आग लग गई। आईसीयू वार्ड में 17 मरीज भर्ती थे। घटना में 13 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य मरीजों को दूसरे अस्पताल ले जाया गया। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई नेताओं ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से पीड़ितों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अपनी मंजूरी दी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पालघर में एक अस्पताल में दुखद आग के कारण लोगों की जान चली गई। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी टेलीग्राम के जरिए पालघर की घटना पर दुख जताया। महाराष्ट्र में ये कोरोना मरीजों के साथ इस हफ्ते में दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले नासिक में कोविड 19 रोगियों के एक सरकारी अस्पताल में बुधवार को टैंकर से ऑक्सीजन के रिसाव के बाद इस गैस की आपूर्ति बाधित होने से कम 24 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी।